ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि शिक्षित मजदूर अब उचित दामों पर अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। रेणुका द्वारा भेजी हुई रामायण को हाथ में लेकर भर्तू काका भी शराब को छोड़ पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करता है। माधव काका और उनकी पत्नी प्रौढ़ शिक्षा की सहायता से अब अखबार पढ़ने के लायक हो गए हैं। भर्तू काका के ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। उसने न केवल खुद पीना छोड़ दिया है बल्कि दूसरों को भी शराब न पीने की सलाह देता है। विक्रम को पता चलता है कि उसके दोस्त प्रीतम की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। प्रीतम के घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि प्रीतम ही गौरी का पति था। पूरा समुदाय गौरी के इस दुख को बांटने के लिए उमड़ पड़ता है। गौरी की सास अपने बेटे की मौत का कारण अपनी अभागन बहू गौरी को बताती है। दुखी गौरी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती है। भर्तू काका की प्रेरणा से गंगाधीन भी पढ़ाई करने का निश्चय करता है। अपनी विधवा बेटी को देखकर लक्ष्मी की आंखें खुल जाती हैं। और अब देखें इसके आगे। बोल लक्ष्मी, क्या करना चाहते? हम अपने लोगन में वापस जाना चाहते। किस लिए? तुम चुप रहो जी, जानते हो वो लोग कितना आगे निकल गए और हम वही रह गए। जाना तो वो अपना विक्रम है ना, अपना बच्चा जो गौरी के संग प्यार करत रहे, उनका हाथ मांगत रहे, पर उनका हम इनकार कर दिए। वो है ना, वो शीट का मैनेजर हो गया है। वो लोग बहुत पढ़ लिख लिए हैं और हम वही रह गए। वो लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अजी, हमारे लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। हम उनके पास वापस जाएंगे, वो हमका माफ कर देंगे। हम उनके पास वापस जाएंगे। अगर आज विक्रम होता ना, वो जरूर खड़ा हो जाता, हमारा बेटी का हक उसको दिला देता। लेकिन हम बहुत गलती करती है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा दिल ना ही लागत यहाँ, हम ना ही रहेंगे, हम वापस जाएंगे। हम अपने लोगों के पास हम वापस जाएंगे। हम चले चलो, हम चले चलो, हम ना ही रहेंगे। अब कौन सा मुंह दिखाएगी वहाँ? अपनी गलती की माफी मांगेंगे, वो लोग हमका माफ कर देंगे। हम कहेंगे सबसे, सावित्री बहन हमका माफ कर दो। हे चंदेरी, तू तो हमरी बेटी है ना, हमका माफ ना ही करेंगे। हे मधु, हे बिष्णा, मधु काका, हमका माफ कर दो। हम एक एक के पाँव पकड़ेंगे, सबसे माफी मांगे, हमारी गलती हो गई, हमका माफ कर दो। हम तो शरण में ले लो, हम वापस आ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हमको सब लोग माफी दे दो, माफी दे दो, माफी दे दो। कौन? मधु काका। लक्ष्मी, माधु काका, हम अपना काला मुंह सबको कैसे दिखाएं? इसलिए हम अंधेरे में खड़े हैं। हम लौट आए हैं, अपने परिवार के संग हम लौट आए हैं, अपने टोले के पास। हमका माफी दे दो, हमका माफी दे दो। जो खुशी के वास्ते हम ये टोले को छोड़ के गए, हमका कहाँ मिला, कहाँ मिला हमका? परेशानी और दुख, हमको माफी दे दो। हम तो और पाप पड़ते, हमको माफी करना। हम ना ही जाएंगे, हम यही रहेंगे।
देखो लक्ष्मी, ये काम की जगह तुम्हारी है, इस बस्ती के सब लोग तुम्हारे हैं, तुम लोग आ गए हो, सब बहुत खुश होंगे, तुम लोगों को गले लगाएंगे, घबराने की मुंह छुपाने की कोई बात नहीं है। और शरण कैसी? अरे अपने घर आए हो, किसी गैर के घर तो नहीं आए हो। अरे मोहन, इतनी दूर क्यों खड़े हो, पास आओ ना। और हमारी गौरी बिटिया भी आई है, ठीक ठाक है ना? बहुत अच्छा है लक्ष्मी, तुम लोग सब यहां आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे हम लोग तो सब आपस में ऐसे ही सुख दुख बांट लें, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छा करेगा। खाना वाना खा के आए हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम करो, कोई सर के ऊपर वजन मत रखो, अंदर आओ और आराम से सो जाओ। हाँ, अरे मोहन काका, राम जीती हूँ। मोहन काका, मैं सबको बताकर आती हूँ। गौरी बैठो। तुम भी काम करोगी? काम तो करना ही पड़े, नहीं तो माँ और बापू पर बोझ कहलाएंगे। और बीमार गिर गई तो? ना ही गिरी विक्रम, हमें तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहने वाली हो, तो और कोई दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो। हमका तो और परिवार वालों से पूरी हमदर्दी है, अब आई गई हो, मुलाकात होती रहेगी। हम तो आज नाम यहां लिख देता हूं, यहां साइन कर देना, अभी मैं चलता हूं। गौरी। अरे भौजी, क्या बात है? पुराने प्रेमी में कोई सुलह सफाई हुई का? अब काहे की सुलह और काहे की सफाई, हमारे तो एक ऐसी डाली है जिस पर कभी फूल नहीं आवे, और ये सब हमें किसी का दिल दुखाने की सजा मिले थे भाभी, और ये हमें जिंदगी भर भुगतना पड़े हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। अरे सब दिन एक जैसे थोड़ी रहते हैं, ये जीवन की धूप छांव तो चलती रहती है, तो फिकर मत कर, अच्छे दिन फिर आएंगे। दीदी आ गई। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम लोग? जी हमारा नाम गौरी है, और ये हमारा भाई रवि। पहले हम यही रहते थे, बीच में चले गए, अब हम यही रहेंगे। हाँ, तुम लोगों के बारे में सुना जरूर था। जी आपने हमरे सब लोगों को पढ़ा दिया, और हम वैसन के वैसन ही रह गए। अब हमें पढ़ाएंगे ना? क्यों नहीं, क्या तुमने विक्रम से बात नहीं की? जी नहीं, हम आप ही से पढ़ेंगे। क्यों नहीं, हमें पता है आप विक्रम भैया के गुरु है ना। तो फिर ठीक है, कल से तुम लोगों के साथ कुछ और लोगों को लेकर एक नया ग्रुप शुरू कर देते हैं, ठीक है? धन्यवाद, आप बहुत अच्छी है। तुम बहुत सुंदर हो गौरी, और तुम्हारा भाई भी। चलो अब चलते हैं, चलो। ये लक्ष्मी जवान की तो अक्खड़ है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। थक हार के अपनी टोली में वापस आई। वो तो है काका।
मुझसे बच्ची गौरी का दुख नहीं देखा जाता। दुख में एकदम टूट गई है। बताओ जरा सी उम्र में कैसी आपदा आ पड़ी। ठीक कह रहा हूं माधव भैया, बुरा तो बहुत झूला मैं उसके साथ, लेकिन अब भगवान की मर्जी का कोई क्या कर सकता है। वो तो ठीक है भैया, पर अपनी बच्ची है, कुछ तो करना पड़ेगा कि उसका बाकी जिंदगी तो ठीक से गुजर जाए। ठीक है जैसा तुम कहो, हम तो कुछ भी करने को तैयार है। भैया हम तो सोच रहे थे कि उसका लगन विक्रम के साथ कर दें। ये कभी नहीं हो सकता माधव काका, वो अब विधवा हो चुकी है और हमारा बचवा पढ़ लिख गया है। आज सेठ साहब का मैनेजर है, मैनेजर उनको बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और वो कोई लूला लंगड़ा है तो किसी की झूठन उसके गले में डाल दो। हम तो उसके लिए अच्छी से अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देखेंगे। वैसे माधव भैया सावित्री सही कह रहे, हम लक्ष्मी का कितना हाथ जोड़े, कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन रिश्ता तोड़कर चली गई, सबका अपमान करके चली गई। अब लौट कर यहाँ आई तो हमरे यहाँ भी तो सब कुछ बदल गया है कि नहीं। मगर इसमें बिचारी गौरी का क्या दोष है? हाँ उसका तो कोई दोष नहीं था, पर ब्याह तो हो चुका था। कहते हैं वहाँ बड़ी खुश थी, कभी विक्रम का भूल के भी नाम नहीं लिया उसने। अरे भाई ब्याह हो जाए तो ब्याह का धर्म तो निभाना ही पड़ता है, इसमें तो गौरी की कोई गलती है नहीं। ऐसा करें विक्रम से पूछ लें उसकी क्या राय है। हाँ विक्रम बेटा बोल, तेरी क्या राय है? अब हम क्या बोले, आप ही लोग सोचे। बस काका इस बात को यही रहने दो, हमने मना किया ऐसा पता चला तो सब में बुराई होगी हमारी। ठीक। अच्छा काका अब हम चलत है, आज हमारी परीक्षा है। गंगा दिन जी नाम आप ही का है? हाँ हमारा ही है। कर्मावती जी ने ये चिट्ठी दी है। चिट्ठी दिया है? कल शाम को आपको मिलने के लिए बुलाया। ठीक है। ओके थैंक यू। अरे हमका काहे के लिए बुलाया? अमीर घराने में पैदा होकर अमीर होना कोई बड़ी बात, लेकिन गरीब घराने में पैदा होकर एक कामयाब इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है। अब अमीर तो आदमी अपने माँ बाप के बदौलत हो जाता है, लेकिन कामयाब तो आदमी तभी होता है जब वो मेहनत और लगन से काम करता है। और भाई आपका बेटा तो इस बात का सबूत है, बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम और पैसा कमाएगा। भाई बहन जी ये सब तो आप ही का आशीर्वाद है और आपकी बेटी की कृपा है, हमरा कुछ नहीं। कृपा किसी की भी नहीं, वो तो अपनी मेहनत और लगन के दम पर इतना आगे बढ़ा है। हाँ कोई दूसरा रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और रास्ते की सारी रुकावटों को पार करके अपनी मंजिल को पाना, ये सब तो आदमी अपनी मेहनत और लगन के दम पर ही कर पाता है। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके और आपकी बेटी के बहन जी। आपकी बेटी तो सच कहें तो करोड़ों में एक है। तो क्या आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे? जी आप लोग हैरान होकर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा आप ये सोच रहे हैं कि आप गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, रेणुका अमीर घराने की है, मॉडर्न है, आपके घर की बहू नहीं बन सकती है ना? जी जी यही जी। ये तो बहुत गलत बात है भाई, इतने होनहार बेटे के माँ बाप कभी गरीब हो सकते हैं भला? अच्छी खासी तनख्वाह है उसकी, सेठ फ्लैट देने के लिए भी तैयार है, अब कल उसका बंगला होगा, इससे भी अच्छी पोजीशन होगी। भाई हम दोनों माँ बेटी का तो यही ख्याल है, और ऐसा होगा भी। अब आप ये बताइए कि आपको हमारी रेणुका पसंद है कि नहीं? क्या कह रही हैं बहन जी,
अरे पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं है। अरे हम तो यही सोच रहे हैं कि हम लोग उसके काबिल हैं या नहीं। आपका ये सोचना ही बेबुनियाद है। मेरी बेटी तो विक्रम से ही शादी करेगी। आप सिर्फ ये बोलिए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। अरे बहन जी, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ रही है, ना करने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर मुंह मीठा कीजिए और शुभ मुहूर्त कब का निकलवाना है भाई, तैयारियां भी तो करनी है। अब देखिए, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। अब जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे। आप भी दीजिए ना। शुक्रिया। तो अब हम चलें। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार। भाई विक्रम, ये जो एडल्ट एजुकेशन का सिलसिला तुमने और रेणुका ने शुरू किया था, जो आज भी चला रहे हैं, इसकी बधाइयां तो मुझे मिल रही हैं। लोग विश तो मुझे कर रहे हैं कि शेर शांतिलाल ने अपने और आसपास के मजदूरों को साक्षर बनाने के लिए एक अभियान शुरू कर रखा है। शुरू शुरू में तो मुझे चिंता होती थी कि ये मजदूर पढ़ लिख कर विद्रोही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा सिंसियर हो गए, ज्यादा सभ्य हो गए। अब तो मुझे और एक नई चिंता सताने लगी है। वो क्या सर? वो ये सर कि सारे मजदूर अगर पढ़ाई के पीछे पड़ गए तो इन सबको मैं मैनेजर कैसे बनाऊंगा। सर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रौढ़ शिक्षा का एम है उन लोगों को जो अशिक्षित रह गए हैं, स्कूल नहीं जा सके हैं, उन्हें शिक्षित करना, ताकि वो अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देख सकें, समझ सकें और खुद एक अच्छा जीवन जी सके। हाँ, और एक्सप्लोइटेशन से भी बच सके। हाँ सर, इसके लिए कोई बीए और एमए की डिग्री की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना और पढ़ना आ जाए इतना ही काफी है, और तमाम लोग यही करते हैं। और जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो नाइट कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और आगे पढ़ने लगते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जो बिना हाई स्कूल इंटर पास सर्टिफिकेट के भी बीए और बीकॉम के एग्जाम में बैठने की इजाज़त दे चुकी हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तादाद कम है। सिर्फ तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग। थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली बात यह है कि आपको मैनेजर्स की भरमार का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको काम करने वाले और अनुशासन समझाने वाले अच्छे मजदूर मिल जाएंगे। सर जैसे जंगली गाय लोगों को सींग मार देती है और पालतू गाय दूध देती है, ठीक उसी प्रकार पढ़ा लिखा मजदूर मालिक के संग निर्माण के कार्य में, चाहे वो बिल्डिंग का हो या उद्योग का, एक जिम्मेदार सहयोगी बनकर पॉजिटिव रोल निभा सकेगा। भाई तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारे पास कुछ सीखने के लिए आना ही पड़ेगा। सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, गड़ा थोड़े पानी से भर जाता है और सागर के पास अपार जल का भंडार होते हुए भी तमाम नदियों को अपने अंदर समा लेने को तैयार रहता है, अब ये गड़ा सागर को क्या देगा। घड़े की यही भाषा और दार्शनिकता का यही अमृत तो सागर में नहीं है। सर आप बहुत महान है सर। भाई सुना है तुम्हारी शादी के लिए कुछ हलचल हो रही है। बगैर आपके आशीर्वाद के तो कुछ नहीं होने वाला। भाई विक्रम हो बड़े होशियार। हाँ, जब वन बेडरूम हॉल किचन दे रहा था तो लिया नहीं, अब टू बेडरूम हॉल किचन का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। ये भी लोगे या हम तो हमारे तो होने के बाद थ्री बेडरूम हॉल किचन का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं सर, आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। भाई जवान विधवा बेटी को संभालना कोई आसान काम है का? और ये लक्ष्मी तो अभी से उब गई है, थोड़े दिनों में तो परेशानी से पागल ही हो जाएगी। जब आसपास के लोग ताने मारेंगे ना तब पता चलेगा इसे। हाँ, मनचले छेछेबेले लड़के जब घर के आसपास मंडराने लगे। विधवा का जीवन सूखे जंगल के पेड़ के जैसे होता है, जिस किसी की नजर पड़े काट के ले जावे। वो सब हम नहीं जानते, बस हमसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, हर वक्त खोई खोई बुझी बुझी सी रहती है। अरे पहले तो टोली के बच्चन लोगों के साथ खेलती भी थी, मगर अब वो बच्चे भी उसके साथ नहीं खेलते, अकेली बैठी खोई खोई सी रहती है। हाँ, हम उसका दूसर ब्याह का सोचत रहे,
हाँ मगर कोई अच्छा लड़का मिलना तो चाहिए। विक्रम के बारे में तो सोचना बेकार है काकी, तो हार पसंद भी तो बहुत ऊंची है ना। अब पसंद और नापसंद की बात ही कहाँ रह गई है। विधवा के लिए तो दुई रोटी और छत देने वाला कोई मिल जाए इतना ही बहुत है। तुम ठीक कहती हो गंगा बहन, ऊंचे खौफ सारे ताक पर धर दिए है, बस अब बोझ उतारने भर की बात रह गई है। ठीक है अगर तुम कहत हो तो हम कोशिश करेंगे। हमारी मौसी का लड़का है, बेचारे की घरवाली मर गई है, वो भी बांध खाते में काम करता है, दुई बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, अगर तुम कहो तो हम उनसे बात करके देखें। हाँ देखो जो भी होता है आगे फिर उसका नसीब। नसीब से कौन जीते है लक्ष्मी काकी। कैसे हो राम सिंह? ठीक है सर। कोई फोन तो नहीं आया था? रेणुका जी का फोन आया था। क्या कह रही थी? सर वो आपसे मिलने आने वाली है। और ईंट वाला बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा है। अरे यार उसको चेक देना था। और सेठ जी का फोन आया था, पीछे वाली साइड में काम शुरू करवाने को कह रहे थे। ठीक है। सेठ जी से मेरी बात हो गई है। अच्छा तो मैं बता दूं वो सब कुछ भैया मैंने कर दिया है। चलो अस्पताल लेके चलो इसको। चलिए लाइए जल्दी, धीरे से लटाइए। हाँ आराम से संभाल के संभाल के। ठीक है ठीक है। ओके ओके स्ट्रेचर ले जाओ। हाँ जी आप जरा बाजू में हटिए। आप लोग इस लड़की से मजदूरी करवाते हैं? माय गुडनेस, ईंटें और पत्थर ढुलवाते हैं इससे। इसकी फिजिकल कंडीशन बहुत नाजुक है, शी नीड्स कंप्लीट बेड रेस्ट। ये तो अभी मां भी बनने वाली है। जी हाँ, इसका पति कौन है? मैं हूं इसका हस्बैंड। तो आप हैं इनके हस्बैंड? शक्ल से तो काफी समझदार और पढ़े लिखे लगते हैं, फिर भी अपनी पत्नी से ऐसे काम करवाते हैं? जबकि वो पेट से है, उनके पेट में बच्चा है। डॉक्टर साहब गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप इन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक तो ये हो जाएगी, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, लेकिन आप ख्याल रखिए कि इन्हें मानसिक या शारीरिक तनाव ना हो। ठीक है, डोंट वरी शी विल बी ऑलराइट। और आप लोग जरा मुझे आकर मिलिए। ओके तबीयत कैसी है? ये क्या कह दिया तुमने? क्यों कुछ गलत कह दिया? शायद अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया,
अपनी इज्जत, अपना नाम, ये जानते हुए कि हमारे पेट में किसी और का बच्चा है, ऐसा क्यों किया तुमने विक्रम? क्योंकि ऐसा करने की मुझ में हिम्मत और ताकत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम में नहीं थी, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मैं कहता हूं कि उसके लिए गहरी नजर की जरूरत होती है। हकीकत यह है कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम निर्दोष हो। मैंने तुम्हारे घर की औरतों की बात सुन ली थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी इज्जत, नौकरी, पोजीशन की खातिर मैं तुम्हें पिस पिस के मरता हुआ देख सकूं। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। विक्रम, मगर ये बच्चा? ये बच्चा गौरी का है, मेरे दोस्त की निशानी। ये जन्म लेगा और इसे मैं पालूंगा, और तुम्हें मेरी पत्नी का सम्मान मिलेगा। खुश? अरे वाह विक्रम, तुम्हारे हर शब्द की दाद देने को मन करता है। मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी महान आत्मा का निवास है, जो अज्ञान के अंधकार से निकलकर इतनी प्रकाशमान साबित होगी। रेणुका जी, मेरी आत्मा के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, वो असल में आप ही का दिया हुआ है। आज मुझे सचमुच अपने आप पर बहुत गर्व है, लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा के बारे में मत भूलना, याद है ना तुम्हें? मुझे अच्छे तरीके से याद है। अज्ञानता के अंधकार में जो कष्ट हमने, हमारे मजदूर भाइयों ने भोगा है, उसको मैं पहचानता हूँ, महसूस किया है। देशवासियों से मैं यही कहना चाहूंगा, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। सब के सब अपने आप को साक्षर बनाओ। मैं और गौरी इस काम में अपनी जी जान लगा देंगे। आप बैठिए, मैं चलता हूं। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो गौरी। और इस प्रकार शुरू होता है साक्षरता का एक नया अध्याय। हमें ज्ञान दो, हम ज्ञान दे, अक्षर दान दो, अक्षर दान दे। बालक हो या प्रौढ़ हो, है सब शिक्षा के हकदार। फैलाए प्रकाश हर दिशा, दूर करे अंधकार। माये वर्द कर डाले हम, ये सपना साकार। हो शिक्षित बाल नर नारी, भारत बने महान, भारत बने महान।